कटंगी विधानसभा में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जितने प्रत्याशी मैदान में है, इनके बीच अब कांग्रेस कहां पर खड़ी है और भाजपा के साथ कैसी टक्कर है, साथ में आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी केसर बिसेन, इनकी भी स्थिति को आज की रिपोर्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कटंगी के इस गांधी चौक मैदान से ही अपने कार्यक्रम की, और यहाँ से समझते हैं कटंगी विधानसभा क्षेत्र का पूरा माहौल, पूरा समीकरण, किस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है, खड़गे की सभा के बाद में क्या परिस्थितियाँ यहाँ पर निर्माण हुई है, किसके पक्ष में माहौल है और लोग किसके पक्ष में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग नज़र आ रहे हैं तो आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा मैं। कहाँ के रहने वाले सोनपुरी जी? मुंडेवाड़ा। मुंडेवाड़ा, क्या ये दुकान चलाते हैं? नहीं चलाता हूँ, वो वाली है मेरी। काय की दुकान है? बिजाई की। बिजाई की। तो अभी दीपावली का त्यौहार है, दुकानें सज चुकी है आप लोगों की, बाजार कैसा है, बाजार का माहौल क्या बोल रहा है? ठंडा है जी, अभी क्या है मालूम, उतना जोर नहीं पकड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव प्रचार तेज हो रहा है इस वजह से माहौल, बाजार का माहौल ठंडा हो रहा है? नहीं, वैसे ही लग रहा है। ऐसा है क्या? हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं ऐसे चलते फिरते घूमते रहता हूँ विधानसभा वार, पता करते रहता हूँ क्या माहौल है क्षेत्र में। अभी चुनाव चल रहा है, 17 नवंबर को वोटिंग होना है। ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर आए थे, आपको पता होगा मल्लिकार्जुन खड़गे, सभा थी अस्पताल मैदान में 4 नवंबर के दिन एक सभा हुई थी यहाँ पर, पता है आपको? नहीं मालूम। अच्छा आपको कुछ पता ही नहीं? वो आया तो कमलनाथ जी आए थे जब। अच्छा वही तो, कहाँ कमलनाथ भी आए थे उसके साथ में। हाँ कमलनाथ। पता है आपको? हाँ। तो मुझे ये बताइए इस क्षेत्र में अभी माहौल क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो लोग क्या चर्चाएं कर रहे हैं अब इसके बारे में, तो देखो एक बात बताएं हम, यानी हमारा मकसद ये है कि अच्छे से अच्छा प्रत्याशी ढूंढने को ना मिलने को ना, कमलनाथ हो या फिर क्या कहते हैं कि गौरव, कमलनाथ यहाँ पे काय के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो वो तो छिंदवाड़ा से लड़ेंगे। हाँ गौरव पारदी हो या फिर वो तुम्हारे बोसी भगत। अच्छा अच्छा नाम भूल रहे थे आप, तो अच्छे से अच्छा प्रत्याशी कौन है इन दोनों में? दोनों में मेरे ख्याल से लगभग, यानी मेरे को तो उसकी चल रही है लगता है कमल छाप की। कमल छाप की क्या लहर चल रही क्या? हाँ जी। और ये कांग्रेस वाले परिवर्तन परिवर्तन चिल्ला रहे, तो इसका कुछ असर? देखो अब कई चिल्लाते हैं, मगर मेरा एक विचार बनता है कि गौरव भैया जैसे आदमी एक नंबर आदमी है। एक नंबर आदमी है, तो दो नंबर पे कौन रहेगा फिर? दो नंबर पे वही रहेंगे। आप एक नंबर उनको बता रहे हो, तो दो नंबर भी तो किसी न किसी को दोगे, वही रहेंगे कमल। अच्छा सॉरी, चलिए ये तो ठीक है, एक नंबर दो नंबर वाली बात तो वो 3 तारीख के बाद पता चल जाएगी। मुझे ये बताइए गुआरी समाज के जो अध्यक्ष है, आदिवासी गुआरी समाज के महेश सहारे, इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया कमलनाथ के सामने, तो इसका कुछ असर होगा चुनाव में? ये बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। अच्छा आप नहीं बताते, आप कहाँ के हैं? कटेरा जी। कटेरा, पीला गमछा लगाए हो आप भी, गुआरी समाज के तो नहीं हो? नहीं जी। हाँ आदिवासी हैं। आदिवासी है तो गुआरी भी अपने आप को आदिवासी गुआरी समाज बताता है। हाँ तो मानते हो आप लोग, आपके कैटेगरी में ही है वो लोग, भाई लोग? हाँ। है। हाँ तो उनको जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, चाहते हो आप लोग कि नहीं? जी हो, मिलना चाहिए। नहीं सर वैसा नहीं है, गोंडच रहेगा, गुआरी रहेगा। नहीं वो तो अलग अलग ही रहेगा, लेकिन ST का दर्जा मिलना चाहिए क्या? नहीं उनको नहीं मिलना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो अभी चुनाव होने वाले है, कुछ माहौल है इधर चल रहा है? माहौल तो है, वो बोसी भगत निकालेंगे तय है। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल गारंटी हमारे, इससे बोसी भगत का चुनाव निकला। क्षेत्र से हो आप? कटंगी क्षेत्र। इधर ही क्या, उधर मायके पार? नहीं जी कटंगी क्षेत्र है। अच्छा यही। हाँ कौन सा गांव आपका? कटेरा। कटेरा। कटेरा आदिवासी बेल्ट है क्या? हाँ जी। तो नहीं सभी सभी है उधर जाते हैं। अच्छा ये बताओ, ये महेश सहारे ने, आप शांत रहिए, आप ये बताइए मुझे कि ये महेश सहारे जो है उन्होंने समर्थन दिया बोसिंग भाव को, तो इसका कुछ असर समझ में आ रहा है क्या? असर होगा ना जी, होगा होगा जरूर। क्या चर्चाएं चल रही है? अरे वो तो अभी अपने इसको BJP को हटाओ बोल रहे हैं, अभी तो नया देख रहे हैं मुख्यमंत्री। ऐसा क्या? हाँ तो परिवर्तन, मुख्यमंत्री बदलना है बोलते हैं जी। हाँ बदलना है मुख्यमंत्री, और ये पुराने की राज खत्म करना है, नया प्रत्याशी चाहिए अपने को। अच्छा हाँ। और ये जो केसर भाई भी कहाँ चुनाव? केसर भाई तो फालतू है। फालतू है और अपने इधर चल रहा है पंजा, अपने इधर तो कोई हिला ही नहीं सकता माइक। इधर पंजा चल रहा है, आपके इधर क्या चल रहा है जी?
हमारे इधर तो भैया झाड़ू चल रही, झाड़ू से साफ करने अपने को सब कचरा साफ करना इस बार। झाड़ू तो सफाई के लिए छोटी है ना, तो कचरा साफ करने के लिए झाड़ू चल रही है। ऐसा तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, झाड़ू चल रही है और झाड़ू चलेंगे। अरे झाड़ू, अरे सरकार तो किसी कौन ये तो मुझे ये बताइए अपने विधानसभा का विकास तो यहाँ का विधायक करेंगे ना। बात आपसे कर रहा हूँ, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि बात मेरे से हो रही है ना भैया, थोड़ा सा बात मेरे से हो रही, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ आपको क्या समझ में आता है। अभी अभी के माहौल में तो ऐसा है, अभी के माहौल में गौरव भैया और झाड़ू ये दो चल रही है बस इधर। हाँ। अभी तो भैया बता रहे थे उधर, तो उनके उधर चल रही, लेकिन मेरे इधर की बता रहा हूँ ना। इधर तो ठीक है, सबके इधर अलग अलग चलता है। आप कहाँ के हो? कटंगी प्रॉपर, यही प्रॉपर प्रॉपर कटंगी। शहर में क्या चल रहा है? शहर में चल रहा है प्रशांत भाऊ का नारा लग रहा है फिलहाल, क्योंकि बातें जो होती हैं सर, हम भी और आप भी देखते हैं हर किसी की बात। असर करेगा चुनाव में क्या कुछ? नहीं असर करेगा ना सर, बात बोलने वाली होती है। अच्छा, असर करेगा शहर में क्या बाहर में भी? बाहर भी करेगा ना, बाहर क्यों नहीं करेगा। अगर आप बोल रहे हैं हर कोई मुद्दा लेता है चुनाव का, हर कोई कोई बात बोलता है, अपनी अपनी बात रखता है, तो जेनुअनली बात ये होती है कि हर कोई कोई वादा करता है। अब हमने हर किसी को अजमा के देख चुका है, कांग्रेस भी देख रहे हैं, बीजेपी भी देख रहे हैं, और जो आम आदमी पार्टी नहीं आई है, जो भी न्यू कटंगी में न्यू एकदम हुई है अभी, तो उसके हिसाब से भाऊ ने पकड़ा है साथ, प्रशांत भाऊ ने। तो मेरा कहना तो मतलब इतना आ रहा है, मैं नौजवान हूँ, उसके हिसाब से जो भाऊ के जो दावे हैं, तो दावे में ऐसे पक्के हैं ये, जैसे मजबूती पकड़ के चलते हैं। आधी बात ही होती है इनकी सपोर्ट इसमें इसलिए क्यों हो रही कि आम आदमी, आप देखिए सब्जी मंडी में भी उनकी टोपी लगा के घूम रहे, क्यों? क्योंकि वो आम आदमी के लिए बोल रहे हैं, वो इसके लिए नहीं बोल रहे कि मैं ये कर लूँगा मैं वो कर लूँगा, नहीं, वो सिर्फ फैसला लेंगे तो आम आदमी के लिए लेंगे। अच्छा, आम आदमी के लिए फैसला लेंगे, बिल्कुल। तो आम आदमी को खास आदमी बनाएंगे क्या? आम आदमी को खास आदमी तो बोला जाएगा, तो डेवलपमेंट के हिसाब से कोर्स होता है, तो डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो उनके रहते में अगर होती है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो कटंगी का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं क्या अभी तक? कटंगी का डेवलपमेंट कैसे हुआ सर, कैसे हुआ हर चीज का? तो मैं तो यही जानने के लिए आ रहा हूँ, हुआ है या नहीं। नहीं, कटंगी का डेवलपमेंट बोला जाए तो जीरो के बराबर है। तो प्रत्याशी तो सभी अपने अपने दावे करते हैं, बोस्टिंग भाव भी बोल रहे हैं कि गुड़ की मंडी खोलेंगे मैके पार में, भाजपा वाले भी बोल रहे हैं कि हमने लाडली बहना पहले ही दे दी है, तो ये दिए लाडली बहना की बात सही है, लेकिन सर वो भी तो कर्जे से ही हुआ है, वो अपन जेब का थोड़ी ना दिए है, वो भी कर्जे। मतलब कर्जे पर आ गए आप, तो आपको पता है कर्जा कितना है सरकार पर? सरकार पर कर्जा बहुत है सर, मगर मैं बाय एग्जांपल बता, नॉट अ प्रैक्टिकल। अगर कर्जा लेके आप किसी को दे रहे हैं चलो, तो अच्छी बातें दे रहे हैं, मगर अभी आपने हमारे कांग्रेस में हमारे टामलाल सारे जी थे, टामलाल सारे जी ने अभी एक पुल टूटा था अभी बीच में, आपको शायद याद ना हो, हमको याद है, पुल टूटा था एक पानी का, तो वो पानी के पुल के टूटने की वजह से अभी जाकर हमारे टामलाल सारे जो भाऊ हैं उनने फैसला लिया अभी जाकर, अभी कुछ महीने एक महीना पहले की बात है। तो मेन मुद्दा ये बनता है सर कि ये पहले क्यों नहीं हो सकता था पहले? आप तो काफ़ी युवा है, पढ़े लिखे भी मुझे समझ में, कहाँ तक पढ़ाई हो गई आपकी? सर मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं हूँ, मैं 9th के बाद छोड़ दिया था मैंने खाली सिर्फ। अच्छा। मेरे को मालूम था कि पैसा है सब कुछ। क्या काम करते हैं अभी इधर? पैसा अभी मैं केटरिंग के ठेके लेता हूँ, केटरिंग का खाना खिलाने वाला, और दूसरी बात मैं अभी रांगोड़ी का धंधा लेके बैठा हूँ। अच्छा, दीपावली के चलते मतलब सीजनेबल धंधा कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिलहाल तो चुनावी माहौल बना हुआ है इस क्षेत्र में और लगातार सरगर्मियाँ बढ़ रही है। कांग्रेस से यहाँ पर बोसिंग भगत उम्मीदवार है, तो वही भारतीय जनता पार्टी से एक युवा चेहरा गौरव सिंह पारदी है। गौरव सिंह पारदी के पॉलिटिकल करियर की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में यानी कि 2018 के चुनाव में ये वारासिवनी से उम्मीदवारी कर रहे थे, दावेदारी कर रहे थे भाजपा की, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिली और टिकट नहीं मिलने के चलते उन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ने का भी निर्णय ले लिया था, लेकिन अंतिम समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके घर पहुंचे और उनको शांत कराया, जिसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर जो है वारासिवनी की विधानसभा से लगभग खत्म हो गया था, शून्य हो गया था। लेकिन उन्होंने नए सिरे से फिर कटंगी में अपनी लॉन्चिंग की, यहां पर कार्यालय खोला और पिछले 4-5 सालों से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वे लगातार लोगों के बीच बने रहे, और यही वजह थी कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने कटंगी से मैदान में उतारा है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस क्षेत्र का माहौल, इस क्षेत्र का समीकरण। आप कहाँ से है? जड़ खरीद से जी। जड़ खरीद ये कहाँ पर है? गाजियाबाद पंचायत कटंगी क्षेत्र में आता है। कटंगी क्षेत्र में क्या बोलता है इस क्षेत्र का समीकरण, क्या सोच कर लोग सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? जनता परिवर्तन करना चाह रही है, सरकार बीजेपी की भी अच्छी थी, गलत नहीं थी, पर जनता परिवर्तन करना चाह रही है कि ज़्यादा दिन हो गए उनको। अच्छा, परिवर्तन के मायने हम क्या निकाले? परिवर्तन एक क्या है, शिवराज की जगह में कमलनाथ हो सकते हैं, और यहाँ पर क्या चाहते हैं लोग? कमलनाथ ही। अच्छा, यहाँ पर भी मतलब कांग्रेस, कमलनाथ की सरकार बनना चाहिए ऐसा चाहते हैं? अच्छा, इसलिए कांग्रेस के साथ।
तो क्या जो वादे कर रहे हैं कांग्रेस, भरोसा है लोगों को? भरोसा है, क्योंकि कर्जा माफी का जो पिछले बार का वादा की थी उसने पूरा करते जा रही थी। दो चरण का कर्जा माफ की थी, तीसरे चरण में उनकी सरकार भंग हो गई, नहीं तो वो भी कर्जा माफ की रही थी उसने। इसी बेस पे भरोसा है जनता को कि जो वादे करेगी पूरा करेगी। अच्छा, और ये जो भाजपा वाले बोलते हैं कि कर्जा माफ नहीं की, झूठ बोले कमलनाथ ने, इसलिए उसकी सरकार जनता को उपरांत दिख रहा है ना। दो चरण का कर्जा माफ हुआ 1 लाख तक के का, और तीसरा चरण बस माफ ही हो रहा था, बैठे में सरकार भंग हो गई उनकी। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार ही झूठ बोल रही है? झूठ वो तो बोल रही है, वो तो बात झूठे ही सराम दिख रही है ना। कर्जा वो माफ करते गए थे, सरकार भंग हुई इसलिए रह गया कर्जा। तो मामा पर भरोसा अब लोगों का उठ रहा है क्या? मामा भरोसा अब देखो, परिवर्तन चाह रही जनता। अब वो लोग 1,000 रुपया दे रहे थे लाडली बहना का, कांग्रेस सरकार ने 1,500 देंगी बोली है। अब ये तो वादे की बात है, वादे की बात, देंगे देंगे बात की बात है। तो आपका क्षेत्र पठार पड़ता है, कौन सा पड़ता है? ये अपना जमुनिया बनेरा वाला बेल्ट है। अच्छा अच्छा, पश्चिमी इलाका है ना? उत्तर उत्तर ही से। अच्छा, उत्तर इलाका है। तो उत्तर इलाके में ऐसे कितने गाँव है, उत्तर इलाके में कितनी पंचायतें आती है? अब ये यहाँ से इधर 10 किलोमीटर है, उसके उस तरफ सिवनी जिला लग जाता है। हमारे गांव से उधर लास्ट ही बॉर्डर है बालाड़ जिले का। अच्छा, जो उस तरफ पहाड़ी की उस तरफ सिवनी जिला लग जाता है। तो उधर सब तरफ यही बोल रहे हैं क्या लोग? हाँ, उधर ही तो कांग्रेस का ही माहौल बन रहा है अभी। अच्छा, परिवर्तन बोल रहे हैं? हाँ, परिवर्तन चाह रहे हैं। आप क्या विचार है आपका, आप क्या करते हैं? मैं तो फील्ड करता हूँ गाँव। काय का फील्ड? कपड़े का। अच्छा, कपड़े का, मतलब फेरी वाले की दुकान लेके चलते हैं आप? तो कमाई हो जाती परिवार चलाने लायक? परिवार चलाने लायक का मिल जाता है, दाल चटनी का मिल जाता है। तो उम्मीद क्या करते हो इस चुनाव में? ये चुनाव में हम तो जो अभी सरकार बैठी हुई है उसी सरकार पे उम्मीद करते हैं। जो सरकार बैठी हुई है, मतलब बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार हम उसी में उम्मीद करते हैं, वही सरकार सब कुछ करेगी और वही देगी। अच्छा, और उसके वादे भी पक्के हैं? वादे पक्के हैं। पक्के वादे? किसके वादे झूठे हैं? तो झूठे कांग्रेस के वादे हैं। कौन सा वादा झूठ किया? उनने डिफाल्टरों का, जिनका 40 एकड़ 42 एकड़ खेती है, उनका कर्जा माफ किया। छोटा गरीबों का किसका माफ किया? बोल तो रही थी सरकार कि हम माफ कर रहे थे, सरकार ही नहीं रही ना। सरकार नहीं रही तो ऐसी सरकार को लाने से मतलब क्या, जो 14 महीने में उखड़ गई? तो ये तो बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि खरीद लिए गए के कुछ विधायकों को। कोई खरीदे वरीदे नहीं। अच्छा, छोड़ दिए, जब वहाँ है ही नहीं कुछ खजाने में, क्या है कमलनाथ पास? कुछ नहीं है। और ये बड़े बड़े वादे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कहाँ से दे देगा लाके? ये युवा बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं अभी कि बीजेपी की सरकार पूरे मध्य प्रदेश को कर्जे में डुबा रही है। कोई कर्जे में नहीं डुबा रही है, 1 नंबर में काम कर दी। जो 51 साल से लोगों ने 52 साल से नहीं देख पाया था, वो चीज दिखाई उसने करके। और ये 4.5 लाख करोड़ का जो कर्जा है, कोई कर्जा वर्जा नहीं है, ये सब पढ़ते हो क्या? पढ़ते हो आप रिपोर्ट? पढ़ते रिपोर्ट नहीं पढ़ते, लेकिन ये सब झूठी अफवाह है। हाँ, हमारा आना ऐसा ही हुआ, मैं जा रहा हूँ कवासा। खवासा बॉर्डर? खवासा बॉर्डर। तो अभी शादी के सब चालू हो गए क्या चर्चे? लड़की के गांव जा रहा हूँ। अच्छा, लड़की के, मैं सोचा कि लड़की देखने जा रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा था, माहौल क्या चल रहा है इधर चुनाव का? माहौल तो ऐसा है काका, अबे कांग्रेस के लोग जो खड़े हुए हैं 2-3 लोग, तो अब यहाँ पे कह नहीं सकते, अभी अंदाज नहीं कर सकते आप, और मैं भी अंदाज नहीं कर सकता अब किसका माहौल ज़्यादा बनता है किसका कम बनता है। लेकिन चर्चा तो चल रही होगी? चर्चा वही है। अब जिसकी एक है, एक आदमी है, तो वो एक समझो कि कमल वाला है, तो उसी का चल सकता है। अच्छा, हाँ। और वो महेश सारे ने यहाँ पे समर्थन दिया, तो उसका फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क पड़ेगा अब सब जाएंगे कांग्रेस में। अच्छा, कांग्रेस की तरफ जाएंगे? कांग्रेस की तरफ जाएंगे। आप तो बोल रहे हो कि फर्क भी पड़ेगा, ये 2-3 कैंडिडेट? नहीं, वो सब अंदर गुप्ती कहानी काका, कुछ नहीं, सब अंदर गुप्ती है। अंदर गुप्ती कहानी। तो बाहर वाली क्या कहानी है? बाहर की कहानी वो चलेगा, कांग्रेस ही चलेगा। कांग्रेस ही चलेगी, चलेगा। आप लोग युवा, इधर युवाओं में कौन, आप कहाँ से है? लोकल कटंगी से है। क्या सोच रहा है इस क्षेत्र का युवा? युवा ये सोच रहा है बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी के आने की वजह क्या हो सकती है इस क्षेत्र में? बीजेपी का अच्छा काम है, गौरव पारदी भैया अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है मामा जी का काम, हमारे गांव में बढ़िया काम किया उनने। अच्छा, आपका गांव कौन सा गांव? अर्जुन नाला, वार्ड नंबर 1 कटंगी। तो वार्ड में का जो काम हुए उससे प्रभावित है आप? तो क्या लगता है और भी क्या अपेक्षाएँ है? और आगे चल के अच्छा काम करेंगे, गौरव भैया भी यहाँ से जीतेंगे, विधायक बनेंगे। तो कहाँ से है आप काका जी, थोड़ा चर्चा कर सकते हैं? मैं पत्रकार हूँ, बालाघाट से आया था।
ये चुनाव है 17 नवंबर को, तो मैं इस क्षेत्र में समझ रहा था आप जैसे लोगों के मन की बातें, मोदी जी भी मन की बातें करते हैं, लेकिन मैं गांव के लोग, गांव के जो आम मतदाता है उनके मन की बात समझने के लिए आता हूँ। तो आपके मन की बात क्या है, आपके मन की बात क्या है पूछ रहा हूँ। 17 तारीख को होगी। अच्छा 17 तारीख को होगी, तो 17 तारीख को तो वोटिंग ही हो जाएगी। तो अभी क्या समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना सब, मतलब जो भी कुछ है कमल, तो माहौल तो बताओ मुझे। अरे कमल दिख रहा है कुछ नहीं। अच्छा कमल दिख रहा है, तो काका जी को कमल दिख रहा है और जो भी बातें हैं वो सब 17 तारीख को पता चलेगी। और इधर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो इधर एक छोटा सा गैरेज है, और गैरेज ओपन गैरेज में यहाँ पर बाइक की रिपेयरिंग हो रही है। और बाइक रिपेयरिंग सेंटर पर इस समय युवा तो है, लेकिन क्या कोई चर्चा करने के लिए तैयार है युवा? क्या नाम आपका? रंजीत पतिक। रंजीत कहाँ के हैं रंजीत भाई आप? मैं कटेरे से हूँ। कटेरा, क्या बोलता है इस क्षेत्र का माहौल? माहौल तो सभी अभी पंजाब कमल पे ही चल रहा है, अब देखते अच्छा, क्या दोनों का जोर है। दोनों का जोर है तो टक्कर क्या लगती है आपको, पंजा कमल में ही होगी क्या, और भी कोई तीसरा चौथा है मैदान में आपको? दोनों में ही टक्कर होंगी। अच्छा तो फिर भी चर्चाओं में मुझे ये बताइए, लोग चर्चाएं करते होंगे तो कम ज़्यादा क्या समझ में आ रहा है? कम ज़्यादा अभी तो चर्चा दोनों की चल रही है, कहीं नहीं सीखते कि कौन सी पार्टी आएगी और कौन सी नहीं आएगी। अच्छा लेवल में है, मतलब ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप सीनियर है काफ़ी। कहाँ से है आप काका जी? ऐसे आ जाइए थोड़ा छाव में तो अच्छा रहेगा, इधर धूप आपके ऊपर पड़ेगी तो अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा ऐसे खड़े हो जाइए, मैं थोड़ा सा ऐसा घूमते फिरते पता करते रहता हूँ। क्या नाम है आपका? भोजनलाल। कहाँ से है आप? जाम, कटंगी जाम। तो 17 नवंबर को चुनाव है, क्या माहौल समझ में आ रहा है आपको? अब ऐसा है, वोट देने जाओ तो जहाँ मन पड़े वहाँ दो, पर अपन तो पुराने बीजेपी वाले हैं। अच्छा आप पुराने बीजेपी वाले हैं, और नए युवा क्या सोचते हैं? तो नए इनका क्या मालूम मिला। अच्छा तो हम लगातार किसी भी विधानसभा में पहुंचते हैं तो वहां के प्रमुख स्थानों में पहुंचकर ही माहौल को समझने का प्रयास करते हैं। कटंगी में हम इस वक्त गांधी चौक में हैं, और गांधी चौक में ही गंज चौक है, और गंज चौक एक बड़ा मार्केट है, कटंगी में फेमस है बताया जा रहा है। तो इसी मार्केट में पता कर रहे हैं 2023 के चुनाव को लेकर माहौल क्या है और किस तरह का समीकरण यहाँ पर बनने जा रहा है। 17 नवंबर को चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होना है, तो उससे पहले का हम लोगों के माध्यम से, आम मतदाताओं के माध्यम से, व्यापारिक बंधुओं के माध्यम से, छोटे छोटे कारोबारियों के माध्यम से यह जान रहे हैं कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी हो सकता है और कौन यहाँ से जोर लगा सकता है, किसकी हवा चल रही है और किसका जोर बना हुआ है। तो फिलहाल तो हम एक शू कॉर्नर में आ गए हैं, दुकान है चप्पल जूते की। आपसे चर्चा शुरुआत कर लेता हूं मैं। मुझे ये बताइए, ये मार्केट जो है गंज चौक काफ़ी फेमस है बताया जाता है, क्यों, किन कारणों से फेमस है? व्यापार के से। अच्छा पूरा व्यापार कटंगी का यहीं पर टिका हुआ? बस यही, इसके अलावा कोई है ही नहीं व्यापार, ना बस यही है गंज चौक। अच्छा व्यापारी पूरे आपको यही मिलेंगे। कैसी है कटंगी की मार्केट इकोनॉमी? अच्छी है, वो तो ठीक है, मतलब जो इस मार्केट में बैठता है वो अच्छा खासा कमा लेता है। अच्छा सभी के पेट अच्छे से चलते हैं यहाँ। मैं ये समझने के लिए आया हूँ आज कटंगी में कि ये जो 2023 के इलेक्शन होने वाले हैं जी, भाजपा कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियाँ भी खासकर कटंगी में चुनावी मैदान में है, बसपा है, आम आदमी पार्टी और कुछ निर्दलीय भी है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है माहौल? बस माहौल क्या है, सब जो है सब साथ, सभी अपने हैं यहाँ, बस बीजेपी चलेगी भैया बस, और वो पार्टी बीजेपी चलेगी। कारण क्या हो सकते हैं बीजेपी के चलने के? कारण यही है 2.5 लाख मिल गए मकान के, 1000 रुपये आ ही रहे हैं, 1250 अभी हो ही गए भैया, आगे जाके 3000 होने ही वाले हैं फिर, और आदमी भी अच्छा है गौरव। और ये जो कांग्रेस दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनी तो हम भी कुछ देने वाले हैं, इस पर भरोसा कर रहे हैं क्या नहीं लोग? अरे इन्होंने तो पहले भी डुबा दिए ना भैया, लोगों को कर्जे में ला लिए, कर्जा माफ करेंगे करके और क्या। लेकिन अभी मैं चर्चा कर रहा था, कुछ लोग बोल तो रहे हैं कि पहला और दूसरा कर्जा, ये पहले कि किसका माफ हुआ है कर्जा, ये बताइए, बोलना मेरा हुआ है, अभी ब्याज माफ हो गया, शिवराज ने करवाया। किसी का तो कुछ पता होगा,
अपन तो अभी देखो खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, गांव में घूमते तो कुछ पता रहता अपने। गांव में बैठक होती होगी कभी, तो चर्चा है तो चलती होगी। हमारा टोला छोटा सा है, 2-4 घर का। छोटे टोला है तो लोग वोट नहीं देते क्या? छोटे टोले देते हैं ना, देते हैं तो कुछ तो विचार करते होंगे। अभी कुछ भी ऐसा विचार नहीं हुआ है, जब बैठेंगे तब विचार करेंगे फिर बताएंगे। ये जो कैंपेनिंग वाले हैं, जो मैदान में उतरे प्रत्याशी है, वो आ रहे हैं क्या? नहीं, बराबर गाड़ी आ रही उनकी? हाँ, गाड़ी तो घूम रही है। शोर सुनाई दे रहा है? तो किसका शोर सुनाई दे रहा है? दोनों, मतलब कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। अच्छा अच्छा, तो ज़्यादा शोर किसका है? दोनों का छह अभी तो। अच्छा, दोनों का शोर है और दोनों का जोर भी है जी, पर दोनों में से एक ने एक को तो चुनाव तो यही बोलता है। तो उम्मीद किससे कर रहे हो आप, वही तो पूछ रहा हूँ। किसकी सरकार से, किससे भरोसा है आपको? अभी कमलनाथ जी आए थे कटंगी में, कुछ बातें किए हैं बड़ी बड़ी, तो भरोसा कर रहे हैं लोग? नहीं कर रहे? करेंगे करेंगे। और बीजेपी के जो युवा उम्मीदवार है, उनसे भी कुछ अपेक्षा है आप लोगों की? अभी तो फिलहाल मतलब अभी तो कांग्रेस पे छे ज़्यादा। अच्छा, कांग्रेस का जोर ज़्यादा है। बड़े धीरे से आए आप माहौल पर, ठीक है, धीरे से आए लेकिन आ गए, देर आए दुरुस्त आए। आगे चलते हैं दुकानों में। गन चौक में आपकी दुकान है, तो जाहिर सी बात है तरह तरह के लोग आते होंगे आप, और सभी तरह की चर्चाएं भी आपको सुनने मिल जाती है। इन चर्चाओं के बीच मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या चर्चाएं चल रही है 2023 के इलेक्शन को लेकर, क्या विचार बन रहा है लोगों का इस क्षेत्र में? लोगों का क्या है भाई, सीधे सीधे यहाँ का माहौल तो बड़ा टफ पोजीशन है, यहाँ की यानी टक्कर वाला मामला, ऐसा ईजी किसी के लिए नहीं है। अच्छा, मतलब फंस गया है चुनाव, ऐसा लग रहा है? फंस गया चुनाव। अच्छा, किन कारणों से फंसा है चुनाव? फंसा किस कारण से बोले तो, एक तो शिवराज जी बहुत पुराने हो गए, नया चेहरा लोग देखना चाहते हैं, एक वो भी हो जाता है। लेकिन यहाँ की पोजीशन तो ऐसे लग रहा है कि बीजेपी निकाल लेगी। बीजेपी निकाल लेगी। ये जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने समर्थन दिया, इसका कुछ इम्पेक्ट पड़ेगा इस चुनाव में? कोई खास नहीं पड़ता, कोई विशेष नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि 2013 में उन्होंने 10,000 वोट लिए थे पहली बार चुनाव लड़े थे, तो इस बार उनका समाज का झुकाव था, आंदोलन किए थे, तो उनका वोट हो सकता है स्विंग करेगा कांग्रेस की ओर, ऐसा बोल रहे हैं। क्या ऐसा है, लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या? नहीं, ऐसा कोई विशेष नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, 2-3 हज़ार वोट का इधर उधर, बाकी ज़्यादा उसका विशेष नहीं पड़ता। ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता। सब्जी भाजी का बीज यहाँ पर विक्रय हो रहा है, क्यों आप दूर क्यों चले गए? आइए इधर पास में आइए, आ जाइए। मैं कुछ डराने वाला नहीं हूँ, मैं तो चर्चा करने के लिए आया हूँ आपके क्षेत्र में, है ना? क्या नाम है आपका, नाम बताएंगे? कुसुमलता नेवारी। कहाँ के है नेवारी जी आप? कटेरा। तो गोवारी समाज से है आप? हाँ। ये जो गोवारी समाज के अध्यक्ष है महेश सहारे, इन्होंने कांग्रेस को अभी सभा में समर्थन दे दिया, पहले चुनाव में उतरे थे, एक बड़ा आंदोलन भी किया था उन्होंने बालाघाट में, काफ़ी हजारों की भीड़ बुलाई थी कलेक्ट्रेट कार्यालय में, आप भी गए थे क्या उसमें? नहीं। अच्छा, आप नहीं गए थे, तो क्या आपको भरोसा है? पता नहीं। अच्छा, आपको भरोसा नहीं है, कभी सुनते हो क्या उनकी बातों को, आपने मतलब समझने की कोशिश किए हो क्या बोलना चाहते हैं? ये आदिवासी का दर्जे की मांग जो कर रहा है, ST का प्रमाण पत्र, तो आप लोगों को चाहिए नहीं चाहिए, क्या सोचते हैं आप लोग? पता नहीं जी। अच्छा, आप तो सब चीज़ में पता नहीं बोल रहे हैं, तो मैं आपसे क्या पता कर लूँ आपसे कुछ? आपका नाम बताइए सबसे पहले तो। शिखा रामदेव। अच्छा, ये दुकान आप लगाते हैं, महिला है, ये बताइए आपका बेटा है क्या? बड़ा। अच्छा, बड़ा बेटा है, पढ़ाई कर रहा है? जी हाँ, पढ़ता है 8th क्लास में। तो आप माँ बेटे ही दुकान चलाते हैं? जी नहीं, मेरे हस्बैंड भी चलाते हैं। अच्छा। लेकिन मेरे हस्बैंड मार्केट गए हैं, तो मैं यहाँ। मैं उधर आ जाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, संयुक्तिक रहेगा, थोड़ा सा पास में आऊँगा, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत जा रही थी जी। तो मैं ये जानने के लिए आया था, मार्केट में आप बैठे हो, तरह तरह की चर्चाएँ चलती होगी, खैर आप तो महिला है तो आपके सामने तो ज़्यादा बात नहीं करते होंगे लोग, फिर भी अभी चुनाव है 17 नवंबर को, क्या विचार मन में चल रहा है आप लोगों के? क्या चलेंगे जी, देखेंगे अब क्या। नहीं, कुछ तो देखो, हर व्यक्ति का अपना एक विचार होता है, कुछ ना कुछ विचार लेके ही चलता है ना वोट देने के जाने के पहले, कि ये बनेगा या वो बनेगा तो उससे मन में संतुष्टि मिलेगी, या इससे ये होगा तो कुछ लाभ मिलेगा, यही उम्मीद ही रहती है क्या? नहीं तो कुछ तो उम्मीद कर रहे हैं, किससे उम्मीद कर रहे हो, क्या विचार आप लोगों का है? अब क्या बताएं आपको, कुछ समझ में नहीं आता अभी तो।
अब क्या बताएंगे हम, जो भी आ जाए अब क्या बता सकते हैं ये बताओ। हमने बोले गौरव पारधी आ जाए, कभी प्रशांत भी आ सकता है, कभी कोई भी आ सकता है, हम क्या बता सकते हैं कि नहीं। तो चुनाव है, कोई भी आ सकता है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये जान रहा हूँ कि आपका विचार क्या है, किस मुद्दे पर आप वोट करने के लिए जाएंगे, कुछ तो मुद्दा होगा, महिलाओं के लिए क्या मुद्दा है? हमारे लिए तो ये है कि अभी तो फिलहाल हमारे इससे मोदी ने बहुत कुछ किया है, तो भरोसा है। हाँ, उसका ही थोड़ा सा है, हो गया। भैया 20 रुपए किलो बेच रहा है और गौरव पारधी तो वोट देने के लिए हम 15 रुपए किलो में बेच रहे हैं। अच्छा, 15 रुपए किलो में बेच रहे हैं, 5 रुपए सस्ता प्रचार चल रहा है। मतलब आप तो वोटर को मतलब वो कर रहे हैं, लालच दे के प्रभावित कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 20 रुपए रेट चल रहा है, हम 5 रुपए कम कर रहे हैं गौरव पारधी को, ये तो सीधा सीधा वोटरों को लालच देने की बात हो गई ना। तो प्रचार कर रहे हैं, प्रचार, हाँ ऐसा बोलिए, ठीक है प्रचार कर सकते हैं। ये बड़ा मार्ग बाजार है सुनने में आया, यहीं पर सब आते हैं क्या सामान खरीदने के लिए? हाँ। क्या क्या मिल जाता है इधर? सब चीज मिलता है, सभी जरूरत की हर सामग्री मिलती है। क्या हो गया भैया? मैं ये जानने के लिए आया था इधर, अभी 17 नवंबर को वोटिंग होने वाला है। ये मालूम है कि ये तेल की लाश चल रहा है इधर। अच्छा, मत सोचना। क्या बता रहे हैं आप? जानकारी कहीं नहीं देना। नहीं, हम कुछ जानकारी नहीं ले रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं, आप महिला है, महिलाओं को ये बताइए मुझे, महिलाओं की कुछ समस्याएं है क्षेत्र में? समस्या है ना जी? क्या समस्या है बताइए? नाली बैठना का योजना निकला था, हमारा तो फार्म ही नहीं भरे। अच्छा, आपका फार्म ही नहीं भरा इसलिए समस्या है, और फार्म भर जाता तो हम खुश रहते है क्या? नहीं तो नाराज है, फार्म नहीं भरा तो क्यों नहीं भरे आपने फार्म? चले गए थे ना जी विदेश। हाँ। क्या अपने ही देश में? नहीं, अपने विदेश। अच्छा, विदेश। हाँ। विदेश बोले तो कहीं इधर हैदराबाद वगैरह गए थे क्या? हाँ। वो तो विदेश नहीं है, वो अपना ही देश है। लेकिन मुझे ये बताइए, जब वहाँ से आए तब फॉर्म भरने क्यों नहीं गए फिर? अभी अभी तो आए जी, अभी आए। तो जब फॉर्म भर रहे थे तब कहाँ थे आप? उधर ही थे तो फॉर्म तो बहुत दिनों तक भरे गए, 2 बार शायद मौका मिला है। तो आप दोनों बार आए नहीं, तो आप मुझे ये बताइए आपका विचार क्या बन रहा है? चुनाव है 17 नवंबर को। हाँ, चुनाव पंजा छाप को देंगे। अच्छा, पंजा छाप को देंगे, ये आपका विचार है? क्यों, लाभ नहीं मिला कह के? और लाभ मिलता तो, मतलब लालच वाले हो आप, विचार नहीं करते हो, ठीक है।